आज की वीडियो में बात उन लोगों की करते हैं जो पेट्रोल अगर 200 रुपए प्रति लीटर भी हो जाए तो खुशी से भरवा लेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोदी भक्तों की। एक एक करके कुछ लोगों के लॉजिक सुनते हैं कि मोदी जी महान क्यों हैं। द ललन डॉप पर हुई एक डिबेट में भाजपा की युवा नेता रुचि पाठक ने दावा किया और बोला कि भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। आप सरकारी कंपनी बताइए जिसका निजीकरण किया गया हो। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे। वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही है? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुव्वत थी तो पूरी आजादी लेते ना, उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। द ललन डॉप ने ही इस दावे की पड़ताल की और इस दावे को सिरे से नकार भी दिया। सबसे पहला दावा, क्या भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है? इसका उत्तर है नहीं। भारत आजाद संप्रभु राष्ट्र है। लीज जैसे दावे सिर्फ और सिर्फ झूठ बयानी और अफवाह है। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेहरू डोमिनियन सरकार के ही प्रधानमंत्री थे। ये एक अंतरिम व्यवस्था थी, इसलिए नई व्यवस्था लागू होने तक गवर्नर जनरल का पद भी जारी रखा गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लुई माउंटबेटन थे। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। 26 जनवरी 1950 को आजाद भारत का संविधान लागू होते ही भारत एक संप्रभु गणराज्य यानी कि सोवरेन रिपब्लिक बन गया। संप्रभु माने ऐसा देश जो किसी और नियंत्रण में नहीं है। देश में पेट्रोल के दाम 70 रुपए प्रति लीटर के आसपास थे, अब वे 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर हैं। ऐसे में हिंदुस्तान लाइफ के एक पत्रकार ने पेट्रोल पंप पर लोगों से बात की तो उसमें भी कुछ लोगों ने इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताया। महंगा पेट्रोल डीजल डलवा कर थकते हैं कि नहीं थकते हैं? भैया हम तो ना थक रहे हैं, 100 को पहले डाले और 100 को आप डाल दो। अच्छा, मतलब वही गणित है, कोई अंतर नहीं है? ना, कोई भी अंतर ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो थक गए यार, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? ना भैया, हमने तो बैटरी वाली बिक्की ले लिया, खड़ी कर देंगे। अच्छा, जब सस्ता हो जाएगा फिर चलान लग जाएगा। अच्छा, हाँ, तो थकते नहीं है? लेकिन बिल्कुल ना थक रहे, तो मोदी जी की तरह आप। ना, मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। 100 से ऊपर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। 14 में भी यही रेट था, 2013-14 में भी यही रेट था, 12 में भी यही रेट था। 100 रुपए आंकड़े उठा के देखिए। 100 रुपए था 2013-14 में, आप देखिए, उठा के देखिए। वैसा नहीं था, बेशक ना हो, 65 रुपए के आसपास, 500 रुपए लीटर हो जाए जब भी मोदी जी है। अच्छा, परवाह नहीं है। महंगाई के मुद्दे पे वोट नहीं करते आप? कोई महंगाई नहीं, महंगाई है ही नहीं, कहाँ है महंगाई भाई? हमारे देश में मोदी जी है, पहली बात तो यही है। अच्छा, अगर महंगा भी जाए तो कोई फर्क पड़ता? अच्छा, जो सारा पैसा महंगा हो रहा, महंगाई हो रही है, जो कोरोना में लोगों को परेशानी हो रही है, तो गवर्नमेंट दे रही है इनको, वैक्सीन आ रही है, वो भी तो गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है। देश में कुछ राज्यों में चुनाव है और कुछ चैनल के पत्रकार जनता से चुनाव पर उनकी मंशा जानने के लिए गए। पत्रकार ने एक स्टूडेंट से सवाल किया तो वह प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज गिनाने लगे, तभी महंगाई से परेशान लोगों ने उसे घेर लिया। पाकिस्तान को धूल चटाई, अरे तुम्हारी काम गिना लो, सुन जाओ, काम काम की पूछ रहे हो? कश्मीर में कितने साल हो गए, कब तक धारा नहीं हटी, कितनी सरकारें बदली? अच्छा, अभी तक धारा हटी? 370 धारा हटी। ये हो गया राम मंदिर पर कितने दिनों से विवाद चला, जब भी चुनाव होता था राम मंदिर पर विवाद चलता था कि राम मंदिर बनेगा, वो काम, वो विवाद खत्म हो गया। तो हिंदुस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान में ऐसे तैसे मरवा रहा है। बेटा जब हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान का खा रहा था, पहले हिंदुस्तान के लिए सोच, बाहर के तो बाहर के बहुत के साथ। राम जी ने वनवास क्यों छोड़ा था, वनवास क्यों गया था, क्यों छोड़ा था उन्हें अयोध्या? इसलिए तो छोड़ा था जनता के लिए। एक यू डाकू ऐसा है कि जनता को मार रहा है अपने गद्दी के लिए। है राम मंदिर में जब तो जाएंगे हम पूजा करने, जब हम जिंदी होंगे, जब जिएंगे, जब मर जाएंगे तो राम मंदिर पर कौन जाएगा पूजा करने के लिए? पत्रकार ने एक स्टूडेंट से सवाल किया तो वह मोदी जी का समर्थन करने लगी, पर वह भी महंगाई से परेशान ही लगी। मैं तो, हमें बस फर्क नहीं पड़ता। क्यों, आप पैसे वाले? पैसा वाले मोदी जी क्या क्या काम किया? अच्छा अच्छा ये बता दीजिए। 370 जैसे हटा दिए, 370 हटा दिए, इससे आपका क्या भला होगा? हम घूमने जा सकते हैं वहाँ पर इस वक्त। इससे पहले कौन मना किया? महंगाई से दिक्कत है, लेकिन 370 की वजह से आप मोदी जी को पसंद करते, भाजपा को पसंद करते हैं, इसलिए आप भाजपा को वोट दें। चलिए, युवा हैं आज के देश के, इनको महंगाई से उतनी परेशानी नहीं है जितना 370 की वजह से इनको परेशानी थी। हम घूम सकते हैं भैया आप? हाँ चलिए, घूम सकते हैं। चलिए, अब निजीकरण हो रहा है, ये पता है आपको? एयर इंडिया बिक गया, ये तो मुझे पता नहीं है। अभी पता है रेलवे का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, पता, ये भी नहीं? चलिए, युवा है, इनको सिर्फ घूम। द ललन डॉप के एक पत्रकार ने उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर जनता से बात की, उन्हें एक मोदी भक्त मिला जिसने मोदी जी को भगवान ही बता दिया। मोदी जी को आपने ये बात कही कि हम संविधान नहीं मांगते?
मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो संविधान नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, वो हमारे भगवान है, वो हमारे सीने प्रवेश करते हैं, समझो हनुमान जी ने सीने फाड़ निकाल देते भी, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं, आज नहीं डेली पूजा करते हैं, वो स्वयं भगवान नारायण है, श्री अर्णव पत्रकार भगवान नारद है, श्री योगी जी हनुमान जी है, और अमित शाह जी वो ही भगवान शेषनाग है, भगवान लक्ष्मण है, ये पृथ्वी पे भगवान अवतारे हैं, गीता में साफ साफ लिखा है, इस धरती में जब जब अत्याचार होता है अवतार लेता हूँ, रावण थे प्रभु श्री राम आए, कंस था प्रभु श्री कृष्ण आए, आज मुगल थे मुगल शासन था, आज अंग्रेजी शासन था, आज इटली शासन था, आज कश्मीर नरसंहार था, आज अयोध्या कांड था, आज ठीक जगह जगह बम फटते थे, जगह जगह दंगे होते थे, लोग अकाल मृत्यु मरते थे, जो नारायण का अवतार है, समझो आप। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी अपने एक बयान में मोदी जी को भगवान राम का अवतार बताया था। नया भारत, ये मोदी जी की तरह। तो मित्रों बहनों भाई, मोदी का चमत्कार है, मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं, और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे, वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार, इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। देश में महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन फिर भी भाजपा के नेताओं को महंगाई कहीं नजर ही नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के एक नेता ने मोदी योगी की तारीफ की और साथ ही कहा कि 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है। आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है, और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा, और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है, दोगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है, आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है, आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है और मुफ्त में। आप इस वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.